हेलो, हाउ आर यू ऑल? फाइन। अभी कोरोना ने बहुत जोर पकड़ा है, सबको घर पर ही रहना है ना? हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। वी शुड ईट ओनली होममेड फूड, राइट? एंड वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, राइट ना? सो अब यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू। बी रेड चैप्टर माय फैमिली यस्टरडे। यस, कितना समझ में आया? आ गया ना सबके समझ में? मजा आया पढ़कर? 2 टाइम्स रीड किया आपने? किया ना? आज हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे, ओके? और वन वर्ड आंसर भी। सो आर यू रेडी? शैल आई स्टार्ट? ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आंसर इन वन वर्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर इज फैमिली। लोगों का एक ग्रुप जो कि आपस में रिलेटेड होता है, उनका कोई रिश्ता होता है और साथ में रहते हैं, वो होती है फैमिली। नाउ यू विल रिपीट आफ्टर मी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर इज family। a group of people who are related to each other and live together is family। a family in which mother, father and children live together is called a small family। what is small family? mother, father और children जिसमें साथ में होते हैं वो होती है small family। a family in which mother, father and children live together is called a small family। one more time। a family in which mother, father and children live together is called a small family। third is members of a family are called relatives। सारे family members आपस में relative होते हैं ना, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का चाचा, कोई दादा, कोई मामा, है ना? वैसे ही members of a family are called relatives। members of a family are called relatives। members of a family are called relatives। fourth, your mother parents are maternal grandparents। मम्मी के पापा मम्मी क्या होते हैं? आपके नाना नानी होते हैं ना, पर इंग्लिश में दोनों ही दादा दादी और नाना नानी को ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं, पर मम्मी के पापा मम्मी के आगे मैटरनल लगा देते हैं। तो योर मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। योर मदर्स पेरेंट आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। Your father's parents are paternal grandparents। Your father's parents are paternal grandparents। दादा दादी कौन हो जाते हैं? पैटर्नल। नाना नानी मैटर्नल। ओके। सिक्स इज योर ब्रदर और सिस्टर इज कॉल्ड सिबलिंग। Your brother or sister is called sibling। real भाई बहन कौन होते हैं? sibling। what sibling? sibling। okay। now question answer। how is the sister of your mother or father related to you? मीन्स आपके मम्मी की बहन या पापा की बहन आपकी कौन लगती है?
आंसर इज द सिस्टर ऑफ माई मदर और फादर इज माई आंट. द सिस्टर ऑफ माई मदर और फादर इज माई आंट. द सिस्टर ऑफ माई मदर और फादर इज माई आंट. क्वेश्चन नंबर 3. वॉट इज अनादर नेम फॉर अ स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली को और क्या कहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली इज अनादर नेम फॉर स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, है ना. न्यूक्लियर फैमिली इज अनादर नेम फॉर स्मॉल फैमिली. क्वेश्चन नंबर 4. वॉट इज अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या है. अ बिग फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. बिग फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं ना, दादा दादी चाचा चाची कजिन पापा मम्मी, तो बिग हो गई ना ये. ओके, सो क्वेश्चन इज वॉट इज अ जॉइंट फैमिली. अ बिग फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. अ बिग फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से आप क्या समझते हैं. मीन्स मैंने आपको बताया था ना इसका मीनिंग अभी वन वर्ड में, जो के हमारे नाना नानी होते हैं. नाना नानी कौन होते हैं. मम्मी के पापा मम्मी. सो आंसर इज मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. नाउ वी विल लर्न द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक. माय फादर्स फादर इज माय अंकल. माय फादर्स मदर इज माय grandmother. My father's brother is my uncle. My uncle's wife is my aunt. My uncle's son is my cousin. Okay, now learn these spellings. UNCLE uncle. GRAND grand. MOTHER mother. Grandmother. AUNT aunt. COUSIN cousin. Okay, learn all the spellings and question answer. So this way you will learn the question answer, fill in the blanks, right? और copy में लिखेंगे. Copy के लिए मैं pics लेकर आपको भेज दूंगी, जो आप अपनी copy में note down करेंगे. और जो book का work है book में लिखेंगे. जिनके पास book नहीं है कोई बात नहीं, वो बाद में लिख लेना, अभी एक copy में rough में लिख लेंगे. ठीक है. For till the time, bye and take care. Okay.